नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक मैथमेटिक्स का लेक्चर 18 में। यहाँ पे हम 11वीं सूत्र एकान्यू नेना पूर्वेना डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, हम इसका मतलब पता कर लेते हैं। तो जैसे एकाधिकेना पूर्वेना का मतलब था वन मोर देन द प्रीवियस, एकान्यू नेना पूर्वेना का मतलब है वन लेस देन द प्रीवियस। अब बस इस एक स्टेटमेंट का हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन पे लाएंगे, चलिए इस वीडियो के अंदर देख लेते हैं। तो ये एकान्यू नेना पूर्वेना किस क्षेत्र में हम अप्लाई कर सकते हैं? तो देखिए, तरह तरीके का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो उसमें से कुछ खास टाइप के मल्टीप्लिकेशन जहाँ पे एक जो मल्टीप्लिकेंड है वो 9 या 99 या 999 या 9999 ऐसा होनी चाहिए, और जिसके साथ 999999 को मल्टीप्लाई किया जाएगा वो नंबर हमेशा इससे छोटा हो। तो अगर ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई करे कोई भी मल्टीप्लिकेशन, तो हम आराम से एकान्यू नेना पूर्वेना अप्लाई कर सकते हैं। तो दो कंडीशंस क्या है, एक तो नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड विद इधर 9 और 99 और 999, और जो दूसरा कंडीशन वो क्या है, वो ये है कि x मस्ट बी लेस देन 9 और 99 और 999, जो भी इसके साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए प्रॉब्लम्स किस तरीके से आ सकता है? सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास है 7 × 9, या फिर मैं बोलूँ तो 8 × 9, या फिर 34 × 99, या फिर 67 × 99, या फिर 453 × 999, या फिर 721 × 99999। तो मैं ये कुछ एग्जांपल्स ले लिया जस्ट आपको दिखाने के लिए कि हम कैसे एकान्यू नेना पूर्वेना को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हर एक क्षेत्र में वो जो दो कंडीशंस है, ये दो कंडीशंस सेटिस्फाई हो रहे हैं। पहले तो सब 9 या 99 या 999 है, मतलब 1 लेस देन 10, 10 टू द पावर समथिंग, और हर एक जो नंबर है उनका मल्टीप्लिकेंट से छोटा है हर एक क्षेत्र में, तभी इस मेथड को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो पहले तो सबसे पहले एकान्यू नेना पूर्वेना हम अप्लाई करेंगे, किस पे, जो नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 7। तो एकान्यू नेना पूर्वेना मतलब 1 लेस देन द प्रीवियस, यानी कि 7 से 1 घटा देंगे तो हमारे पास आ गया 6। यह हुआ इसका लेफ्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट के लिए, इस पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 9 है इससे 1 ज्यादा करेंगे यानी कि 10, इस 10 से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यह है एक उपाय, तो हमारे पास आ गया 3। अच्छा, दूसरा उपाय क्या हो सकता है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो वंस अगेन 7 से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 6, और अब हम क्या करेंगे, इस 9 से 6 को घटा देंगे तो हमारे पास आ गया 3। तो ये जो दोनों ही मेथड है इक्वली इफेक्टिव है और इसमें कोई भी अंतर नहीं है, दोनों ही सेम है। फिर आ जाते हैं उसी तरीके से 8 × 9 पे, तो 8 × 9 आप वैसे भी जानते हैं लेकिन हम इसी तरीके से एक एक करके सीढ़ी पे चढ़ेंगे। 8 × 9 यानी कि एक मेथड से तो 8 से आप 1 घटा दीजिए तो हो गया 7, और या तो आप इसका एक सक्सेसर जो कि है 10, 10 से आप 8 को सब्ट्रैक्ट करें जिससे आपको 2 मिलेगा, या फिर आप जो दूसरी तरीका अपना सकते हैं वो ये है कि पहले तो 1 कम कर दीजिए 8 से तो आपके पास आया 7, और ये जो 9 है जो बचा रहा उससे आप 7 को घटा दीजिए तो आपके पास आ गया 2। इधर केसेस आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 34 × 99, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल उसी तरीके से, जो पूरा 34 है इसे आप 1 घटा दीजिए तो हमारे पास आ गया 33। अब तो 99 से 33 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिससे आएगा आपके पास 66 आराम से, या फिर आप 100 से 34 को घटा सकते हैं, उसी क्षेत्र में भी हमारे पास 66 ही आएगा। तो ये जो 100 से घटाने का तरीका मैंने एक लेक्चर में डिस्कस किया है वैदिक मैथमेटिक्स का, इधर आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली 99 से ही 33 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आपके पास दो तरीके हैं, आपका फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर, आप जहां पे कंफर्टेबल है जैसे आप वैसे ही अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास 67 × 99, तो ये 67 से आप 1 घटा दीजिए तो आपके पास आ जाता है 66, और 99 से 66 को अगर आप घटा दीजिए
तो आपके पास 33 आ जाता है। सिंपल, 9 से आप सिर्फ सब्ट्रैक्ट करेंगे हर एक डिजिट को और आपके पास आ गया। ठीक उसी तरीके से आपके पास आया 453 टाइम्स 999, तो 453 इस पूरे से आप एक को घटा दीजिए तो आपके पास आ गया 452, और ये जो 999 है इससे आप 452 को हटा दीजिए तो ये आ गया आपके पास 547। सिर्फ आपको 9 से सब्ट्रैक्ट करना है, या तो आप फिर हजार से ये 453 को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप उसमें कंफर्टेबल हैं तो आप उससे भी कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो आंसर आ गया 452547। उसी तरीके से हम आखिरी एग्जांपल देख लेते हैं, तो 721 टाइम्स 99,999। तो यहाँ पे तो अगर आप एक बरह के 1,00,000 से सब्ट्रैक्ट करना चाहेंगे 721, वो भी कर सकते हैं, या फिर हम इसी तरीके से करेंगे 721 से एक घटा दिया, एक का न्यू नेना पूर्वेना, तो आपके पास आ गया 720। और 99,999 से अगर 720 को हटाया जाए तो आपके पास सिंपली आ गया 99,279। तो देखिए कितनी आसानी से आ जाता है, सारा का सारा ऐसे ही आएगा। यह है एक का न्यू नेना का एक एप्लीकेशन। तो ये बेसिकली फर्स्ट पार्ट है जहाँ पे हम उसी मल्टीप्लिकेशन से डील करते हैं जो कि 999 यानी कि 1 less than 10 to the power n से हम डील करते हैं, इसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन, और जो कि और जिससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे वो इससे छोटी होनी चाहिए। तो ऐसे करते हैं, मैं आशा करूंगा कि आप कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और कमेंट्स में मेरे को आंसर दीजिएगा। तो आपको सॉल्व करने के लिए 6 प्रॉब्लम दे रहा हूँ। हार्डली ये 6 प्रॉब्लम करने के लिए आपको कैलकुलेटर पे टाइप करके आंसर निकालने में जितना टाइम लगेगा उससे भी कम टाइम लगेगा, तो 2-3 मिनट में हो जाएगा हर एक का आंसर। अगर आपका जो नंबर है जिससे आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं वो इस नंबर से बड़ा आ जाए, सपोज ये जो एक्स है ये बड़ा आ जाए 9 या 99 या 999 से, तब हम क्या करेंगे? तब हम इस मेथड के अप्लाई एप्लीकेशन में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि हम तब इससे सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। ये जो 10^n-1 वाला नंबर है इससे हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे अगर इससे बड़ा हो जाएगा नंबर। तो उस क्षेत्र में हम क्या करेंगे अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अलविदा।